गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज संडे अपडेट का वीडियो शेयर करूंगी फ्रेंड्स और काफी मैं लगभग दो तीन दिन के बाद ही वीडियो आज मैं शूट कर रही हूं क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया था इस समय मैंने आप लोग से शेयर भी किया था इस जगह जो आप देख रहे हैं ये कॉर्नर वाला जगह मेरा टेरिस का यहाँ मैंने बहुत अच्छा सेटअप पहले भी तैयार किया था पिछले हफ्ते लेकिन किसी कारण से मुझे यहाँ से सारे प्लांट हटाने पड़े थे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा नया सेटअप है जो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कौन कौन से प्लांट मैंने हटाए हैं और कौन कौन से लगाए हैं यहाँ पर रखे हैं तो इस जगह को हमेशा से मैं चाहती थी मेरे इंडोर प्लांट के लिए मैं हमेशा के लिए इनको सेव करके रख सकूँ ऐसा जगह बनाऊँ तो मेरे जो टेरिस है ना उसमें काम चल रहा था एम्बेस्टर सीट वगैरह लगवा रहे थे क्योंकि वो पुराने वाले एम्बेस्टर सीट जो है खराब हो गए थे और पोर्च में पानी जाने लग गया था बरसात में तो वहाँ पर मैंने नया एम्बेस्टर लगाया और इस जगह पर मैंने अभी आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी जो पुराने सीट मेरे निकले थे टावर के उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है अब जो है मेरे ये सारे प्लांट बिल्कुल सेफ हैं और मुझे यहाँ से वहाँ अब इनको हटाना नहीं पड़ेगा यहाँ टोटली जो है छाया आती है इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है और शाम के वक्त जो है आधा घंटा पौन घंटा लगभग इनको ये जो किनारे वाले जो प्लांट है ना इनमें थोड़ी सी धूप मिलती है तो हमेशा के लिए जो मेरे प्लांट है ना वो अब सुरक्षित हो गए हैं और अभी मैं कुछ यहाँ पर का और डेकोरेशन करने की तैयारी कर रही हूँ तो वो भी मैं बहुत जल्द आप लोग से शेयर करूंगी तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स जब हम नए सेटअप तैयार करते हैं और कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम जो है अभी एम्बेस्टर सीट लगवाएंगे अचानक से ऐसा हुआ और मुझे यहाँ से सारे प्लांट हटाने पड़े थे और कुछ बात और भी बताना चाहूंगी सारे प्लांट को हटाकर मुझे ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ा था और हमारे यहाँ अभी जो है फ़ोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया है तापमान छत्तीसगढ़ में तो इतनी तेज धूप और इनको ग्रीन नेट में रखने के बाद भी मेरे बहुत सारे प्लांट फ्रेंड्स ख़राब हो गए जबकि मैंने पानी और सावरिंग दोनों किया था मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कौन कौन से प्लांट मेरे जो है ख़राब हो गए हैं वो भी मैं दिखाऊंगी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है पानी हमारे यहाँ जो है दोनों टाइम मुझे देना पड़ रहा है अगर एक टाइम शाम को अगर मैं पानी नहीं देती हूँ पौधों को तो पौधे जो है रात भर में भी बहुत सारे जो है पौधे खराब हो जा रहे हैं तो पानी दोनों टाइम देना पड़ रहा है आप देख सकते हैं यरिका पाम्प कितना खूबसूरत था ग्रीन था और अभी इसकी पत्तियाँ देखिए येलो सी दिख रही है तो यहाँ का सेटअप मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है पहले भी मैंने बहुत मेहनत किया था और पता रहता तो बिल्कुल नहीं करती लेकिन कोई बात नहीं चलिए इसी बहाने कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ कि किस प्लांट को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है कुछ हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स तो देखिए ये सारे इंडोर प्लांट मुझे तो लगता है मेरा गार्डन देखकर अब आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज की पूरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी फ्रेंड्स और मेरी मेहनत अगर थोड़ी सी भी नजर आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो देखिए यहां पर कुछ मैंने प्लांट जो है रखे हैं और स्पाइडर प्लांट रिबन ग्रास और ये छोटे छोटे पॉट में जो आप देख रहे हैं यह है टेंगल हार्ट मैंने टेंगल हार्ट इसमें लगा दिए थे मुझे शुरू से बहुत पसंद है टेंगल हार्ट को इस तरह से हेज के रूप में इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और यहाँ पर मैंने स्नेक प्लांट जो डॉर्फ वैरायटी वाले हैं उनको इस तरह से रख दिया है तो सजाने के लिए जब यदि आप कोई भी कॉर्नर सोचते हैं ना उसके पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है और प्लांट जो है आप डिसाइड करेंगे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स मैं अपने जो जो भी नया लुक तैयार करती हूँ नया सेटअप तैयार करती हूँ ना उससे पहले मैं प्लांट तैयार करती हूँ अपने गार्डन में क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इतने सारे प्लांट बार बार नर्सरी से तो मैं तो नहीं खरीद पाऊंगी क्योंकि उसी उसी प्लांट को बार बार खरीदना तो इससे बेहतर यही है जो खास तौर पे गार्डनिंग का शौक रखते हैं बिगनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी एक बार तो नर्सरी से आपको प्लांट जरूर खरीदने पड़ेंगे कई लोग कहते हैं कि मुफ्त में गार्डन हमने तैयार किया है आ, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि फ्री में गार्डन तैयार कुछ पौधे हाँ जरूर है कि आप किसी से मांग कर लगा सकते हैं लेकिन पूरा गार्डन यदि आप फ्री में तैयार कर रहे हैं सोचेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा फ्रेंड जो सच्चाई है वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ नर्सरी से प्लांट खरीदने ही पड़ते हैं और आप लोग देख ही रहे हैं मेरा गार्डन और जब भी आप प्लांट लाते हैं ना कटिंग जरूर लगाइए तो मैं कुछ भी जब नया सेटअप तैयार करती हूँ तो कटिंग लगा लेती हूँ देखिए यहाँ पर फिलोडेंड्रन एक एक प्लांट इस जो है मेरे गार्डन में थे और इसे मैंने कटिंग से तैयार कर खरीदा नहीं है मैं छोटी सी कटिंग लाई थी और जब वो प्लांट मेरे बड़े होते गए ना उसकी कटिंग ले लेकर आप देख ही रहे हो चार प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं और काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है ये प्लांट तो जो जो प्लांट कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं उनको पहले आप तैयार कर लीजिए घर पर कटिंग से उसके बाद नया सेटअप तैयार करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोशिश तो यही है नया सेटअप मैंने कैसे तैयार किया है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जल्द ही शेयर करूंगी और कुछ सजावट के लिए देखिए फ्रेंड्स इस तरह के मैंने कुछ मैं लेकर आई थी और देखिए लगाते लगाते टूट गया तो खैर ऐसा कुछ होते ही रहता है कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है जैसे ही मैंने इसको लगाया ना नीचे गिर गया और मेरे हाथ से छूट गया और वो टूट गया तो खैर कोई बात नहीं उसका कही न कहीं ना कहीं इस्तेमाल मैं और गार्डन में कर ही लूँगी तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल बर्ड्स मैं लगाई हूँ बहुत ही सुंदर लगते हैं ओरिजिनल होता तो और ज़्यादा सुंदर लगता लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी प्लांट रखे हैं ग्रीनरी बिखेरने वाले प्लांट रखे हैं इंडोर प्लांट और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है और मुझे ऐसा लगता भी है कि मेरे जितने भी यहाँ प्लांट रखे हैं ना सब बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको हमेशा के लिए छाया इस जगह पर मिल गई हर बार वीडियो में आप लोग से कहती थी फ्रेंड्स कि मैं इस जगह पर अपने पौधों के लिए टेरिस पे कोई ऐसा जगह सेट करना चाहती हूँ जहाँ पर इनको परमानेंट छाया मिले क्योंकि बार बार मुझे भी यहाँ से वहाँ हटाना पड़ता है और अभी भी मैं सोच रही थी कि भी मैं जो है रेनी सीजन में इन प्लांट को कैसे बचा पाऊंगी क्योंकि पोर्च में बिल्कुल भी मेरे अब जगह नहीं है दो दो गाड़ियाँ हो गई है और बच्चों के साइकिल वगैरह दो दो हैं तो जगह नहीं बन पा रहा है यहाँ पर थोड़ी धूप आती है तो मैंने बोगन बिलिया को यहाँ पर रख दिया है डायरेक्ट इनको सनलाइट मिलती है और कुछ जो है जेट प्लांट की टोपियारी बनाने की तैयारियां मेरी चल रही है फाइकस के दो कटिंग मैंने लगाए थे दोनों ग्रो हो गए हैं तो जब आप फ्री के घर पर ही प्लांट तैयार करते हैं ना तो बहुत ही एक तो, एक तो एक्सपीरियंस भी होता है और खुशी भी होती है फ्री में आपके गार्डन में इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं कोलियस के तो मैं बता नहीं सकती मैंने कितने सारे प्लांट तैयार किए हैं जितने भी विंटर के गमले खाली होते हैं उनको मैं रखती नहीं हूँ फ्रेंड्स उसमें मैं जो है प्लांट लगा देती हूँ तो इधर का भी मैंने पूरा जो मेरा गार्डन है टेरिस का सारा मैंने क्लीन किया है डीप क्लीन किया है और बहुत सारे पौधे भी लगाए हैं कटिंग लगाए हैं और उनको मैंने सेट किया है तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है तो टेरिस का ये मेरा पूर्व दिशा का गार्डन है देखिए उसको इस तरह से मैंने सजाया है यहाँ पर स्टैंड रखे हैं तो उनमें दिक्कत नहीं होती है सारे प्लांट जो है पॉट है वो स्टैंड में रखे हुए हैं चार स्टैंड है यहाँ पर मेरे और उसमें जो है पौधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और अभी जो मेरे गार्डन में प्रॉब्लम हुई है वो भी बताती हूँ देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं ये हिबिस्कस का प्लांट है गुच्छे वाला लेकिन इसकी कलियां जो है खिल नहीं पा रही है इतनी ज्यादा गर्मी है कि कलियां खिल नहीं पा रही है ऐसे ही सूख सूख कर गिर जा रही है तो मैं उतना ज्यादा प्लांट में वो नहीं कर रही फ्रेंड्स क्योंकि दो महीने अगर डी फ्लावरिंग नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है साल भर तो वैसे भी प्लांट जो है फ्लावर देते ही हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल खराब से हो गए हैं जबकि यहाँ पर मैंने पूरा ग्रीन नेट लगाया हुआ है यहाँ का जो देख रहे हैं ना स्टैंड वाली जगह यहाँ पर मैंने लगभग बहुत सारा यहाँ पर ग्रीन नेट लगाया है यहाँ पर ग्रीन नेट लगने के बाद भी देखिए ये रेड कलर का जो है जरबेरा का फ्लावर आता था लेकिन पता नहीं गर्मी में देखिए लाइट पिंक कलर का हो गया है जबकि ये प्लांट मुझे अच्छे से पता है रेड कलर के फ्लावर आते हैं तो फ्लावरिंग कुछ प्लांट कर रहे हैं ये मोगरा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है लेकिन इतनी तेज धूप है कि फ्लावर का जो खिल भी रहा है ना उसका साइज भी बिल्कुल छोटा सा हो गया है और यू फोरविया मिली को तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये तो समर सीजन का ही प्लांट है वैसे ये बारह महीना फ्लावरिंग करता है बट अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है येलो कलर वाला भी बहुत सुंदर लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर ग्रीन में येलो कलर लाइट येलो कलर तो पौधे तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी चल रहे हैं बस खुशी इस बात की है मुझे शायद आप लोग को भी अच्छा लगे ना लगे पता नहीं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा गार्डन जो है फूलों को तो ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं बट uh, जो है मेरा गार्डन जो है ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इससे भी आंखों को सुकून मिलता है और गर्मी में ग्रीन चीज देखने से तो अच्छा ही लगता है कुछ पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है बोगन विलिया तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से मेरे गार्डन का मैंने अरेंज किया है देखिए और अभी ज्यादा देर हुई भी नहीं है लगभग सात बज रहे हैं नहीं तो सात भी नहीं दस पंद्रह मिनट कम है और देखिए कितनी तेज धूप है बिल्कुल रहने का मन भी नहीं कर रहा है टेरिस पे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप यहाँ से देखिए इस तरह का मेरा गार्डन है यहाँ से ऐसा दिखाई देता है मेरा गार्डन कुछ मैंने टेरिस पे कुछ पेंट भी किए हैं वो भी आगे आपको दिखाती हूँ घर पर काम हुआ था ना तो बहुत सारे जो पेंट है वो बचे हुए थे और खराब से हो रहे थे तो मैंने सोचा खराब होके फेंकने से बेहतर है कि अपने गार्डन में सजा लिया जाए और गार्डन को खूबसूरत बनाया जाए तो यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स ये ये मैंने पेंट किया है ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर का मेरे घर पर जो है मैंने पेंट कराया था उसमें से पेंट बचा हुआ था खराब हो रहा था तो देखिए ये वाला ब्लू कलर वाला एम्बेस्टर मैंने लगवाया है और एक तालपत्री को इस तरह से मैंने यूज किया है यहाँ पर धूप आती है डायरेक्ट सनलाइट आती है और यहाँ पर भी मेरे इंडोर प्लांट बहुत सारे रखे हैं तो प्लांट की हालत देख आप समझ गए होंगे छाया रखने के बाद भी ऐसी हालत है पौधों की तो यहाँ का सेटअप मैंने न्यू तैयार किया है मुझे तो काफी अच्छा लगा है डिटेल वीडियो आपको मिलेगी एक दो दिन बाद और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आप लोग बताइएगा यहाँ जो मैंने सजाया है अपना टेरिस का दूसरा सिरा वो आपको कैसा लगा तो पौधे काफी अच्छे से चल रहे हैं फ्रेंड्स इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है उसके बाद भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको डेफिन बेकिया की हालत कैसे हो गई है मात्र मैंने इसे दो दिन ही ग्रीन नेट के नीचे रखा था उसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है पत्तियां पूरी खराब हो गई है जो मैंने जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा बहुत ही खूबसूरत पत्तियां थी और देखिए विक्टोरिया प्लांट की हालत क्या है कुछ मैंने जो है कटिंग लगाए थे कुछ खराब हो गए हैं और कुछ चल रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स कटिंग भी कहाँ चल पाएंगे और यहाँ देखिए मैंने कुछ इस तरह से टॉपियारी तैयार की है जेट प्लांट की और अभी दो टोपारी और भी मैं तैयार कर रही हूं क्योंकि इसमें समय लगता है टोपियारी तैयार करने के लिए आप सोचेंगे ना कि तत्काल में तुरंत कर लू तो उसके लिए प्लांट आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ता है तभी आपकी टोप्यारी तुरंत तैयार हो जाएगी नहीं तो आप यदि कटिंग लगाते हैं ना तो काफी लंबा समय लगता है डेफेन वे किया हालत मेरी थोड़ी खराब है क्योंकि पत्तियां थोड़ी सूखी सी हो गई हैं और जितने भी इंडोर प्लांट थे सबको मैंने यहाँ पर रख दिया है देखिए क्रोटोन में रात में पानी डला है उसके बाद भी इसकी पत्तियां इस तरह से झुक गई है तो इतने सारे पौधों को देख रेख के लिए समय बहुत देना पड़ता है फ्रेंड्स मैं अपने सारे घर के काम के बाद जो है समय बिल्कुल निकालती हूँ अपने पौधों के लिए क्योंकि जो भी मेरे पास समय बच जाता है वो मैं अपने पौधों को देना ज्यादा पसंद करती हूँ तो कैसा लगा आज का मेरा जो गार्डन का ये नया सेटअप है और संडे अपडेट का डिटेल तो नहीं दे पाई आप लोगों को लेकिन कोशिश की हूँ कि जितना भी मैंने चेंजिंग किया है जो भी किया है आप लोग से जरूर शेयर करूँ तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आज की वीडियो और नया सेटअप कैसा लगा जरूर बताइएगा तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाय बाय